B1, B2, B3, B4, B5 of a publishing company in 2009 and 2010. Study the graph and answer the following questions. So, in the graph, we have uh, one, this one is for 2010, and this one is for 2009. So, we have two bars for each branch. So, the ratio of the total sales of branch B2 for both the years of total sales of branch B4 for both the years is ईयर्स इज सेवन पॉइंट सेवन इज टू नाइन थ्री टू इज टू थ्री फोर इज टू फाइव थ्री इज टू फाइव सो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है और इसमें हमें ये बार ग्राफ है और एक पब्लिशिंग कंपनी है जिसकी सिक्स ब्रांचेज हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स और हमें 2010 का बार दिया हुआ है एंड 2009 का बार दिया हुआ है और अब हमें करना क्या है हमें ब्रांच B2 एंड ब्रांच B4 की टोटल सेल दोनों ईयर्स में उनकी रेशियो निकालनी है तो अब B2 की टोटल सेल्स 2009 एंड टेन में ऐड करके निकलेगी सेवेंटी फाइव प्लस सिक्सटी फाइव ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड है यहाँ पर लिखा हुआ है सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो हम इसको लिख लेंगे वन लैक फोर्टी ये थाउजेंड्स पे गिवन है एंड बी फोर की भी हम सेल्स ऐड कर लेते हैं हमारे पास है एट्टी फाइव एंड नाइन्टी फाइव तो ये बनेगा 85 फाइव प्लस नाइन्टी तो ये हमें मिलेगा वन लैख एटी थाउजेंड हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं बिकॉज हमें रेशियो फाइंड करनी है बी टू इस टू बी फोर की सो वन लाख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लाख एटी थाउजेंड तो फोर जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा नाइन सेवन तो हमें मिल रहा है रेशियोज़ मिल रही हैं सेवन इज टू नाइन बिकॉज आगे तो ये कैंसिल नहीं होंगी ये दोनों नंबर्स हैं कंजेकेटिव वार्ड नंबर्स यफ तो ये दोनों आगे कैंसिल नहीं होंगे सेवन इज टू नाइन दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है आई होप आपको समझ आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर